नमस्ते प्यारे दोस्तों तथा प्यारे स्टूडेंट्स, आज 19 जनवरी 2017 है। आज से 9 साल पहले मैंने ऑनलाइन वर्क स्टार्ट किया था, तो आज 9 साल हो गए हैं। यह 9वां बर्थडे है मेरे ऑनलाइन काम का, चाहे वो एजुकेशन से है चाहे बिजनेस से है। तो बहुत सारी चीजें मैंने सीखी, तो मैं चाहता हूं कुछ आपको ऐसा गिफ्ट दिया जाए जो लाइफ टाइम हो। तो आज मैं ऐसा कंटेंट चुना है जिसके ऊपर अगर आप चलोगे तो लाइफ में हमेशा ही आप सक्सेसफुल रहोगे। तो हम आज सीखेंगे कि हाउ टू क्रिएट हैप्पी मोमेंट्स। देखिए दोस्तों, आप कोई भी जोक देखते हो या कोई भी कॉमेडी या मूवी देखते हो, कोई बात होती है, आपका जो मूड है वो कुछ सेकंड के लिए हैप्पी मोमेंट्स आती हैं, उसके बाद जो आपकी मोमेंट्स होगी वो सैड मोमेंट्स होगी, एंगर मोमेंट्स होगी, फियर मोमेंट्स होगी, शोक मोमेंट्स होगी, शेम मोमेंट्स होगी, गिल्ट मोमेंट्स होगी। आपके जो इमोशंस हैं वो ये होंगे। इससे क्या है, आप हमेशा ही निराशावादी हो जाओगे, काफी दुखी महसूस करोगे, जिंदगी में आपको नेगेटिव पॉइंट ही दिखेंगे। तो इससे हम कैसे हैप्पी मोमेंट्स में जा सकते हैं, जिंदगी के लिए हैप्पी मोमेंट्स को हमने क्रिएट करना है, उसके लिए आपको हैबिट बनानी पड़ेगी तथा यह 21 दिन चलेगी। इस हैबिट से लाइफ टाइम आप हमेशा ही हैप्पी मोमेंट्स में रहोगे, क्योंकि आपने क्रिएट कर दिया। तो हमारी जो डेस्टिनेशंस है, मींस कहां से स्टार्ट करना, ये स्टार्टिंग पॉइंट है। इस पॉइंट में आपने, आपके पास सैड मोमेंट है, एंगर मोमेंट है, फियर मोमेंट है, शोक मोमेंट है, शेम मोमेंट है, गिल्ट मोमेंट है। आपने जाना है कहां है आपका गोल, कहां है हैप्पी मोमेंट्स, यानी प्लेस ए है, जो आपका प्लेस ए है उससे प्लेस बी में जाना है। सिंपल सी बात है। और यह जो रास्ता है, जो यह सफर है, हम 21 दिन में तय करेंगे। ये फर्स्ट डे, ये सेकंड डे, ये थर्ड डे, फोर्थ डे, फिफ्थ डे, सिक्स्थ डे, सेवन डे, एट डे, नाइन्थ डे, टेंथ डे, इलेवेंथ डे, ट्वेल्थ डे, थर्टींथ डे, फोर्टींथ डे, फिफ्टींथ डे, सिक्सटींथ डे, सेवनटींथ डे, एटींथ डे, नाइनटींथ डे, ट्वेंटीएथ डे एंड 21st डे। जैसे 21 दिन बीतेंगे आप वापस हमेशा हैप्पी मोमेंट्स के में रहने के काबिल हो जाओगे। तो आओ हम चलते हैं कैसे हम जा सकते हैं। फर्स्ट डे आपने एक गोल फिक्स कर लिया कि हमने लाइफ में कोई भी तकलीफ हो, कुछ भी स्थिति हो, हमेशा ही खुश रहना है। इसका वचन, इसकी कमिटमेंट आपने कर दिया है। तो उसके फर्स्ट डे में आपने क्या करना है, मेक द लिस्ट ऑफ थिंग्स यू आर थैंकफुल फॉर गॉड्स एंड पीपल। बहुत सारी चीजें हैं जिसके लिए आप परमात्मा को धन्यवाद दे सकते हो, आप लोगों को धन्यवाद दे सकते हो। मैंने लिस्ट बनाई है, मुझे परमात्मा का धन्यवाद करना चाहिए। नंबर एक, मुझे एक बहुत अच्छी हेल्थ दी है, मैं सेहतमंद हूं। लाखों लोग हॉस्पिटल में हैं तथा मैं अपने घर में हूं, बहुत खुश हूं, इसलिए मैं परमात्मा का धन्यवाद करता हूं तथा मैं इससे काफी हैप्पी फील करता हूं। जब मैं ये कहता हूं कि मैं बहुत सेहतमंद हूं तो मैं हैप्पी फील करता हूं, यह कहने से मुझे खुशी मिलती है। माय होल बॉडी इज ओके, मेरे कईयों के हाथ नहीं होते, किसी की जुबान नहीं होती, कोई सुन नहीं सकता, कोई देख भी नहीं सकता, किसी के लाते नहीं होती, किसी को पेट में कोई खराबी होती है, हजारों तरह की बीमारियां हैं, और तथा परमात्मा ने सभी पार्ट मुझे दिए हुए हैं, हाथ, कान, आंखें, नाक, हर चीज दी हुई है, लाते हैं। तो मैं उस परमात्मा का धन्यवाद करता हूं, इससे मुझे काफी खुशी महसूस होती है, एक क्रिएशन होती है हैप्पी मोमेंट्स की। मैं सर्दियों में कूलनेस फील कर सकता हूं और गर्मी में हॉटनेस, परमात्मा ने मुझे यह भी दिया हुआ है।
मुझे सन दिया हुआ है, वहां से रोशनी आती है, गर्मी आती है। मुझे दर्द दिए हुए हैं जिससे मुझे ऑक्सीजन मिलती है, इसके लिए परमात्मा का लाख लाख शुक्र है, लाख लाख धन्यवाद है। मुझे वैज्ञानिकों ने इलेक्ट्रिसिटी की या एक खोज निकाल के दी है। अभी मैं कैमरे से वीडियो बना रहा हूं तो लाइट चल रही है, तो उसका धन्यवाद। बैटरी चार्ज करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता होती है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पानी जो मुझे फ्री में मिलता है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद। मैं अपने माता पिता का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे शिक्षा प्रदान की, फाइनेंशियल की सपोर्ट दी, लव दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। इसके अलावा मैं हर उस चीज के लिए धन्यवाद करता हूं जो मुझे सपोर्ट कर रही है। बहुत सारे टीम्स मेंबर्स हैं, उसके लिए मैं धन्यवाद दी होता हूं। मैं अपना उन लोगों के लिए धन्यवाद देता हूं जिनके साथ मैंने 9 साल काम किया ऑनलाइन पे, सभी के लिए। तो यह लिस्ट मैंने बना ली है, सारा दिन आप भी ऐसी लिस्ट बना सकती हो। सुबह उठिए 9 से शाम के 6 बजे तक, कॉपी और पेन, कुछ भी नहीं सोचना, सिर्फ सोचना है तो किस किस का धन्यवाद करना है। अपने भाई का, अपनी बहन का, अपने जो आपके नेबरहुड में रहते हैं उनका धन्यवाद, आपकी सोसाइटी में रहते हैं उनका धन्यवाद, जो अजनबी ने आपकी स्माइलिंग की फोटो खींची उसका धन्यवाद, उन पक्षियों का धन्यवाद जो जिनकी सुबह आप आवाज सुनते हो। तो आपने हमेशा ही धन्यवाद करना है। जितनी ज्यादा धन्यवाद आप करोगे उतनी आपको खुशी मिलेगी, क्योंकि उन्होंने आपको कुछ दिया है। सोचिए क्या दिया है, आपके पास क्या है। उस परमात्मा ने आपको बहुत सारी शक्तियां दी है, तो उसके लिए हमेशा ही धन्यवाद देना चाहिए। तो यह आपका एक दिन बीत जाएगा, तो उसको रीड भी करना है जैसे मैंने रीड किया है। नंबर 2, मेक द लिस्ट ऑफ अचीवमेंट्स इन योर लाइफ। हम कहते हैं कि हमारी जिंदगी में कोई अचीवमेंट्स ही नहीं है। नहीं, ये गलत है। सोचिए तो सही, एक दिन दीजिए। सेकंड डे होगा आपका, उस दिन आपने कोई काम नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, खाना पीना, सोना, बैठना, कुछ भी नहीं करना, सिर्फ इस बात की एक लिस्ट बनानी है कि मैंने जिंदगी में क्या प्राप्त किया है। अब अगर आपसे नहीं बनती तो मैं अपनी अचीवमेंट्स बता देता हूं, उस हिसाब से आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स होंगी। सबसे पहले मेरी जिंदगी में सबसे जो सबसे खुशी वाली अचीवमेंट है, मैं चल सकता हूं, आई कैन वॉक। मुझे बचपन जब मैं पैदा हुआ था मुझे चलना नहीं आता था, तो कम से कम मैं बहुत बार गिरा हूं, बहुत मुश्किल से मैं चलना सीखा है। मुझे खुशी है कि मैंने अचीव कर लिया, मैं चल सकता हूं। आई रन 1 आवर नॉन स्टॉप, मैं 1 घंटा नॉन स्टॉप भाग सकता हूं कभी भी कहीं भी, क्योंकि मैंने यह अचीव किया है। मुझे खुशी है कि ये मेरी सक्सेस है लाइफ में। मैं बहुत हैप्पी हूं कि मैंने 1 घंटा, लोग 1 मिनट, 1-5 मिनट में भागना वो बहुत मुश्किल होता है, हाफ जाते हैं, मैं 1 घंटा भाग सकता हूं। आई गोट MCOM डिग्री, मैं मास्टर इन कॉमर्स की डिग्री प्राप्त की है। उसके लिए जो टाइम लगा था, +2 12 साल, उसके बाद 3 साल BCOM, कितने हो गए 15 साल, उसके बाद 2 साल की MCOM 17 साल, 17 साल की शिक्षा की जो मेहनत होती है उसकी एक डिग्री मिलती है, मास्टर ऑफ कॉमर्स पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो मेरे पास है, मैंने अचीव किया है। I have written 3000 contents in my website accounting education. 3000 से ज्यादा मैंने लेख लिखे हैं। ये मेरा एक सक्सेस है। मैं रोज एक लेख लिखता था, एक लेख लिख देना है। करते करते आज 3000 कंटेंट्स हैं। मैंने इस YouTube चैनल पे Svtuition पे 1500+ वीडियोस बनाए अपनी टीम के सहयोग से। दिस इज माई सक्सेस, दिस इज माई अचीवमेंट्स। I can teach any subject of world. मैं कोई भी subject दुनिया का उसको teach कर सकता हूं, यह मेरी सफलता है। I got position third position in my college race competition. जब college में race हुई थी उसमें मेरा 3रा नंबर था। I donated blood 5 times.
मैंने जिंदगी में 5 बार खूनदान दिया है. I have written successful e-book. मैंने एक successful e-book लिखी है जो सबसे ज्यादा बिकती है. I have made a successful online course. Accounting course मेरा सुपर हिट एक कोर्स है. तो ये मेरी अचीवमेंट्स है. आपकी जिंदगी में बहुत सारी अचीवमेंट है, बहुत सारी चीजें आप जानते हो. लिखिए कागज में, एक दिन दीजिए और खुश हो जाइए लाइफ में कि हमने कुछ अचीव किया है लाइफ में. जब हम ये अचीव कर सकते हैं, हम इससे ज्यादा भी अचीव कर सकते हैं. जो चाहते हो वो आपको मिलेगा. आपको हैप्पी ही होना है लाइफ में. ओके, तो इसको आपने रीड करना है. ये आपका एक दूसरा दिन बीत जाएगा. अब तीसरे दिन में हम चलते हैं. तीसरा दिन है मेक द लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स. ड्रीम्स सपने, हर इंसान को सपने लेने का हक है. सपने जो हमें सोने नहीं देते. सपने वो नहीं है जो रात को सोते हुए हम लेते हैं. सपने वो है जो हमें सोने नहीं देते. उसके लिए हमें स्ट्रगल चाहिए, हमें शक्ति चाहिए, ताकत चाहिए. लिखिए, एक लिस्ट बनाइए सपने की. ये भी मेरा सपना है, ये भी मेरा सपना है, ये भी मेरा सपना है. जितनी बार आप उसकी लिस्ट बनाओगे, एक दिन बीतना चाहिए, 12 घंटे बीतने चाहिए, 24 घंटे बीतने चाहिए. लिस्ट आपके सपनों की लिस्ट हो. जितनी ज्यादा लंबी लिस्ट होगी ना, आप उतने ही हैप्पी महसूस करोगे, क्योंकि आपके पास सपने हैं. कईयों के पास सपने नहीं होते, वो आलसी हो जाते हैं. निराशा उनको होती है जिनके पास सपने नहीं होते. अगर आपको लिस्ट नहीं बनाना आता, मेरे से सीखिए कैसे लिस्ट बनाते हैं. लिस्ट ऑफ माय ड्रीम्स, इट इज माय ड्रीम टू रन 2 आवर्स नॉनस्टॉप. ये मेरी जिंदगी का एक सपना है कि मैं 2 घंटे नॉनस्टॉप भागूं, क्योंकि मैं 1 घंटा भाग चुका हूं. मैं भाग चुका हूं 1 घंटा. मैं 2 घंटे के लिए मेहनत करूंगा, स्ट्रगल करूंगा, हार्डवर्क करूंगा, क्योंकि मुझे खुशी महसूस होगी जिस दिन मैं 2 घंटे भाग लूंगा. To write more than 3,000 written contents. मैं दिल है कि मैं 3,000 content लिख चुका हूँ 9 सालों में. 3,000 contents मैं और भी लिखूंगा. I will make more 1,500 videos. 1,500 videos मैंने 9 साल में बना दिए. 1,500 videos और भी बनाऊंगा. This is my dream. मेरा सपना है ये. Achieve करूंगा इसको. उसके लिए तो यही स्ट्रगल चल रहा है. जो वीडियो बन रहा है उसका एक हिस्सा है. ट्रांसलेट माय सक्सेसफुल ईबुक इन ऑल लैंग्वेजेस. मेरा एक सपना है, जो मैंने एक सक्सेसफुल ईबुक जर्नल एंट्री मेड इजी बनाई है. मैं चाहता हूं ये सभी भाषाओं में हो. हिंदी, पंजाबी, मराठी, उर्दू, तमिल, फ्रेंच, इटली, जर्मन, सभी भाषाओं में, अरबिक. मेरा ये सपना है. मेरा ये भी सपना है कि मैं भारत का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं. सपना है, मैंने लिख दिया. साफ साफ कह रहा हूं कि मुझे अपने सपनों की लिस्ट बनानी है. मैंने लिख दिया कि मैं दुनिया का तो नहीं, पर भारत का सबसे अमीर आदमी बनना चाहता हूं. उस वक्त मुझे खुशी होगी जब मैं भारत का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा. लिफ्ट 100 kg वेट. मैं 100 किलो वजन उठाना चाहता हूं. मैं सोचता हूं कि मैं ऐसे उठा लूंगा. मैं 50 किलो उठा सकता हूं. That is my achievement. अब मैं 100 किलो वजन उठाना चाहता हूं. उठाऊंगा, उसके लिए स्ट्रगल करूंगा. Read 10 books in 1 month. 10 किताबें मैं 1 महीने में स्टडी करूंगा. ये मेरा सपना है. ओपन ब्लाइंड स्कूल, ये जो स्कूल देख रहे हो ना, एक फ्री ऑनलाइन एजुकेशन स्कूल है. एक अंधों का स्कूल खोलना चाहता हूं मैं. मैं 1 लाख लोगों को रोजगार देना चाहता हूं. 1 लाख लोग यहां खड़े हों और शाम को वो कहेंगे, हाँ भाई आपसे सेले चाहिए. मैं ये लो भाई, 1 लाख लोगों को रोजगार मिले, ऐसा मेरा सपना है. मैं एक मूवी बनाना चाहता हूं जिसमें मैं एक एक्टर हूं. उस फिल्म का एक्टर मैं बनना चाहता हूं. ये मेरा सपना है. मैं हमेशा ही मुस्कुराना चाहता हूं. दुख हो सुख हो, स्माइल में रहना चाहता हूं. ये मेरे दांत दिखने चाहिए. ये मेरा सपना है. मैंने लिस्ट बनाई है, आप भी लिस्ट बनाओ. ये भी मेरा सपना है, ये भी मेरा सपना है, ये भी मेरा सपना है. लिस्ट बनाओ, उसको रीड करो. ये आपका तीसरा दिन बीतना चाहिए यार. तीसरा दिन, चौथे दिन पे आइए.
तीसरा दिन बीत जाएगा, अच्छा दिन बीतेगा, बहुत हैप्पी फील करोगे क्योंकि लिस्ट बना रहे हो। अब कोई काम नहीं कर रहा है, एक लिस्ट बना रहे हो कागज पे, लिस्ट उसको रीड कर रही हो, लिस्ट ऑफ द स्किल्स ऑफ द वर्ल्ड। बहुत सारी स्किल्स होती हैं, मुझे आता ही नहीं है काम, ये स्किल मुझे जानता ही नहीं हूं। एक लिस्ट बनाइए, मुझसे सीखिए कैसे लिस्ट बनाते हैं। जैसे मैं कहता हूं डांसिंग एक स्किल है, बहुत अच्छा डांस करते हैं, शरीर की एक्सरसाइज होती है, खुशी मिलती है, मूड आनंदित हो जाता है, एक स्किल है, सीखी जा सकती है। सिंगिंग, गीत गाना, शब्दों को इस तरीके से गाना कि आनंदित हो जाएं। एक्टिंग, एक्टिंग एक स्किल है। बिजनेस एनालिसिस, बिजनेस में क्या खोया, क्या प्राप्त किया, उसका एनालिसिस एक स्किल है, ये सीखना चाहता हूं मैं। क्लाउड कंप्यूटिंग, डाटा साइंस, स्ट्रेटेजी, युद्ध की हो बिजनेस की हो एक स्ट्रेटेजी होती है, उसको सीखना है। सोशल नेटवर्किंग, मोबाइल एप्स कैसे बनते हैं, इतने एप्स हो गए, गूगल प्ले स्टोर में देखो हर दूसरा बच्चा एप्स डाउनलोड कर रहा है, कैसे बनते हैं वो, कैसे बनते हैं उसमें एडवांस चीजें कैसे बनती हैं, दैट इज ए मोबाइल ऐप डेवलपर, उसकी स्किल है, उसको सीखना है। कंसल्टिंग, हर काम की कैसे कंसल्टेशन दी जाती है वो सीखना है, उसकी स्किल, उसकी लिस्ट बनाओ। गूगल में सर्च मारिए कि बेस्ट स्किल्स इन लिंक्डइन, आपको लिस्ट आ जाएगी ए से लेकर जेड तक, उसकी लिस्ट होनी चाहिए, उसको रीड करो कि हाँ ये मुझे आता ही नहीं काम, मैंने सीखना है। जब सीखोगे हैप्पीनेस आएगी, खुशी होगी, आपको लगेगा कि मैं कुछ सीख रहा हूं, आगे जा रहा हूं, ऊपर की तरफ जा रहा हूं, नीचे की तरफ नहीं, पॉजिटिव वे से आगे जा रहा हूं। ठीक, तो ये आपका चौथा दिन भी बीत गया, अब हम पांचवें दिन पे आ रहे हैं, फिफ्थ डे। आपके चार दिन हैप्पी मोमेंट्स में गुजर गए, आपके ब्रेन में एक ही विचार आ रहा है कि मैं हमेशा ही खुश रहना है, वो क्रिएट कर रहा हूं। तो एक लिस्ट बनाना है, बनाइए पांचवें दिन में दुनिया के महान व्यक्तियों की, बेअंत दुनिया के महान व्यक्ति हैं, इतने महान व्यक्ति हैं, बेअंत लहने लग जाती हैं। अगर आपको नहीं पता, कुछ लिस्ट जो मेरे फेवरेट है मैं उनको बताता हूं आपको। सबसे पहले स्वामी विवेकानंद, क्यों महान है वो, उन्होंने एक बहुत ग्रेट स्पिरिचुअल लेक्चर दिया अमेरिका में, ऐसा लेक्चर जो दुनिया में पहले दिया नहीं गया, तो वो महान है। स्वामी दयानंद सरस्वती, जिन्होंने बुक लिखी लाइट ऑफ ट्रूथ। राम प्रसाद बिस्मिल, एक महान भारतीय क्रांतिकारी, जिन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी अपने शहीद होने से, फांसी लगने से 18 दिन पहले। इतने महान क्रांतिकारी, जिनमें इतने निडर थे वो, जिन्होंने देशभक्ति की एक मिसाल कायम की। भगत सिंह, जिन्होंने जेल में डायरी लिखी, देश के लिए कुर्बानी दी, बलिदान दिया। 10 गुरुस, गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक, जिन्होंने अध्यात्म के लाइन में सिखिज्म का सिद्धांत को लोगों के सामने लेके आए, बहुत धर्म के लिए बहुत बड़ा बलिदान दिया। श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने जो भी पाप और अत्याचारी राक्षस थे उनका वध किया। थॉमस एडिसन, जिन्होंने 9999 मिस्टेक के बाद बल्ब की खोज की। वो इसको कहते थे मिस्टेक नहीं किया, ये तो मैं ये सीख रहा हूं कि 9999 बार वो कैसे खोजा जाए जिससे बल्ब नहीं बनता, दिस इज नॉट माई मिस्टेक, वो तरीके खोजे जिससे बल्ब नहीं बनता, और 10,000वीं बार उन्होंने बल्ब की खोज की, इसलिए वो महान है। एपीजे अब्दुल कलाम, बहुत भारत के महान साइंटिस्ट, जिन्होंने मिसाइल को खोजा, बनाया, देश की डिफेंस को इंक्रीज किया। इसके अलावा मेरे फेवरेट है ऑग मेंडिनो, जिन्होंने बहुत ही एडवांस बुक लिखी है
द ग्रेटेस्ट सेल्समैन ऑफ द वर्ल्ड, जिसमें बहुत ज्यादा मोटिवेशनल थॉट्स हैं, जिसमें इतनी शक्ति आपकी, इतनी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है, आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो, कुछ भी, कुछ भी। तो ये 10 लिस्ट हैं, ऐसी हजारों लिस्ट हैं। एक दिन लगाना होगा सुबह 3 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, लिस्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पर्सन ऑफ द वर्ल्ड बनाइए। लिस्ट सब कुछ है आपके पास, इंटरनेट है आपके पास, हर तरह की इंफॉर्मेशन, सभी किताबें हैं। देखिए वो कैसे महान बने, उसको रीड करना है ना, हमने इसको रीड करना है, इसको रीड कीजिए आप। अब आपका पांचवा दिन भी बीत गया, आप 6वें दिन में पहुंच गए हो। 5 दिन आपके बहुत अच्छे बीते, आपने कोई काम नहीं किया, फैमिली का मैटर नहीं लिया, रिलेशनशिप में नहीं गए, फ्रेंड से नहीं मिले, आप अपने काम में लग गए कि मैं हमेशा खुश कैसे रहना है। 6वें दिन में आप पहुंच गए हो। 6वें दिन में आपने क्या किया, मीन द लिस्ट हु नीड योर हेल्प, जिसकी आपकी जिसको जरूरत है बनाइए। मींस आपकी सबसे ज्यादा जरूरत किसको है उसकी लिस्ट बनानी है, आप क्यों इंपॉर्टेंट हो। मैं बनाता हूं लिस्ट, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे स्टूडेंट्स, क्योंकि मैं टीचर हूं, जो भी स्टूडेंट है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसको मेरी आवाज सुननी ही है, उसने कुछ जानना है, मुझे कुछ देना है, इसलिए मैं हैप्पी फील करता हूं। दूसरा मेरे फ्रेंड्स, जो कभी भी कोई भी डाउट्स प्रॉब्लम्स लेके आ जाते हैं वो मेरे फ्रेंड्स हैं। कमेंट ऑन माई वीडियोस, 1500 वीडियोस हैं, उसके ऊपर जो कमेंट्स आते हैं कि सर ये मुझे मुश्किल है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन हो गई, ऑनलाइन टीचिंग हो गई, तो उसका सोल्यूशन तो लेके आना होगा। माई कस्टमर, मेरे कस्टमर का फोन आ गया कि सर ये मुझे चाहिए, इस तरह से ये भी हो सकता है, ठीक इस तरह का प्रोडक्ट भी मिल सकता है, मुझे उसकी हेल्प करनी है। माई एम्प्लॉयज, जो मेरे साथ काम करते हैं, जो मेरे साथ ही खड़े रहते हैं, जहां मैं जाता हूं वो चलने को तैयार हो जाते हैं, मुझे उनकी सपोर्ट करनी करनी है, उनको मेरी हेल्प की आवश्यकता है। एनिमल्स, बोल नहीं सकते, महसूस तो कर सकते हैं कि उनको हेल्प की आवश्यकता है। हेल्पलेस ह्यूमन बींग्स, बहुत सारी दुनिया में ह्यूमन बींग्स हैं, लाचार हैं, मेंटली स्ट्रेस्ड हैं। मैं एक अच्छा आदमी हूं, मुझ में कुछ धन आया, मुझ में कुछ नॉलेज आई, मैं वो देना चाहता हूं उन ह्यूमन बींग्स को जो हेल्पलेस हैं। तो ऐसे आप में बहुत सारी शक्तियां हैं, आप में है, फील कीजिए आप में है, हैप्पी फील कीजिए। आपकी इस संसार को जरूरत है, उस बनाने वाले आपको कुछ किसी खास काम के लिए दुनिया में भेजा है, यकीन कीजिए, तो आप हैप्पी फील करोगे। तो इस तरह की लिस्ट आपने 6वें दिन बनानी है, उसको स्टडी कीजिए, रीड कीजिए जैसे मैंने बताई है। तो ये आपका 6वां दिन भी बीत गया। अब हम आपको 7वां डे की तरफ लेके जाते हैं। 7वां दिन, मेक द लिस्ट वेयर यू वांट टू ट्रेवल। देखिए जब हम कहीं घूमने जाते हैं तो जो हमारा मूड होता है ना, किसी भी तरह का हो, एंगर का हो, फियर का हो, सैड का हो, वो एनवायरमेंट हम छोड़ देते हैं, अच्छे मूड में आ जाते हैं, अच्छी चीजें दिखाई देने लग जाती हैं, हमारा ब्रेन जो है रिलैक्स हो जाता है। तो लिस्ट बनाइए कहां कहां आपने घूम के आना है, मेक द लिस्ट। मैंने भी लिस्ट बनाई है, जैसे मैंने जिंदगी में कभी ताजमहल नहीं देखा, तो मैंने ये देख के आना है, इसलिए लिस्ट में लिख दिया। मैंने हिमालय नेशनल पार्क कुल्लू में नहीं देखा, लिस्ट में लिख दिया। एलिफेंट केव इन मुंबई नहीं देखा, लिस्ट में लिख दिया। नैनीताल देखा नहीं, लिस्ट में लिख दिया। अभी दूध सागर फॉल है आपके गोवा में, वो भी नहीं देखी, उसको देख के आना है। इसके अलावा ग्रांड आइसलैंड है गोवा में, वो देख के आना है। हजारों चीजें हैं, ये जो वर्ल्ड है ना,
इंडिया में कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक आपको दिया एक दिन, वन डे, कहां कहां घूम के आना है, कहां कहां ट्रेवल करना है, उसकी लिस्ट बनानी है। हैप्पी फील कीजिए कि मैंने जाना है, एक दिन जाना है, उसकी मैं लिस्ट बना लेता हूं। सुबह से लेकर रात तक लिस्ट बनाते जाइए। होल वर्ल्ड कहीं भी बहुत सारे घूमने की चीजें हैं जिससे आप हैप्पी फील कर सकते हो। यही नहीं, आप अपने शहर में नोट कर सकते हो कि मैंने यहां भी जाना है, यहां भी जाना है। कोई मुश्किल है ही नहीं, लिस्ट बना लो। नहीं, मैं शहर से बाहर नहीं जाना, शहर के अंदर ही बहुत सारी चीजें घूमने की है जो मैं नहीं देखी, वो देख के आनी है। पैदल चलिए। हैप्पी के लिए धन की आवश्यकता नहीं होती है, सिर्फ दिमाग की आवश्यकता होती है, ब्रेन की होती है, कहां आपने एनर्जी लगानी है। तो अब आपके 7 दिन बहुत हैप्पी मोमेंट्स में बीत गए, अब हम 8वें दिन की तरफ जाते हैं। आपकी गाड़ी जा रही है, 7 दिन कंप्लीट हुए, 8वें दिन में हम आ गए हैं। तो 8वें दिन में क्या है, ये 8वें दिन की लिस्ट बनाई है, यहां में लिस्ट है, ठीक है। तो लिस्ट ही बनानी हमने, मेक द लिस्ट ऑफ एक्सरसाइज बेनिफिट्स। बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं जिससे बेनिफिट मिलता है, जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। तो लिस्ट बना लीजिए बेनिफिट्स की, कि इससे मेरी जो सेहत अच्छी हो जाएगी, मेरे जो मसल्स हैं वो और मजबूत हो जाएंगे। बहुत सारी एक्सरसाइज है जिससे आपका फिटनेस लेवल ज्यादा इंक्रीज होगा, आपकी किडनीज अच्छी काम करेंगी। लिस्ट में मान लीजिए रनिंग है, वेट लिफ्टिंग है, साइकिलिंग है, शूटिंग है, स्विमिंग है, क्लाइंबिंग है। शूटिंग लगाने से आपकी जो देखने की शक्ति है वो इंक्रीज हो जाती है, जब शूट करते हो फोकस ज्यादा हो जाता है आपका ब्रेन का। जूडो कराटे हैं, आपके हाथों में और पैरों में मजबूती आती है। टग ऑफ वार, आपके खींचने की जो समर्था है, जब आप रस्सी को खींचते हो, टग ऑफ वार करते हो, उसमें शक्ति आती है, आप में बल की इंक्रीमेंट होती है। जब बल इंक्रीज होगा, हैप्पी आप महसूस करोगे, कॉन्फिडेंस इंक्रीज होगा, आपको पॉजिटिविटी में फील होगा कि मैं पॉजिटिव हूं, नेगेटिविटी आपसे भागेगी, तो हम मुस्कुराओगे, हंसोगे। यस, बॉक्सिंग ऐसी हो सकती है। तो 8वें दिन आपने जितने भी एक्सरसाइज के बेनिफिट्स हैं, कौन कौन सी एक्सरसाइज से क्या क्या लाभ हैं, उनकी लिस्ट बनानी है, उसको रीड करना है जस्ट, तो ये आपका 8वां दिन में बीत जाएगा कि ये एक्सरसाइजेस हैं, इसके ये बेनिफिट हैं, इसको मैंने स्टडी करना है। ओके, अब आ गया 9वां दिन। मेक द लिस्ट ऑफ पीपल ऑफ नेगेटिव थॉट्स। आपकी उम्र हो सकती है 40 साल, आपकी उम्र हो सकती है 50 साल, आपकी उम्र हो सकती है 24 साल, आपकी उम्र हो सकती है 18 साल। इस समय में कुछ लोग नेगेटिव आपके साथ हैं, आपके भाई हो सकते हैं, आपकी बहन हो सकती है, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके सोसाइटी में जान पहचान के लोग हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है, इवन आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं। वो अगर आपको नेगेटिव करते हैं, कोई भी इस दुनिया में कोई भी आपको नेगेटिव करते हैं, अगर आपको यह कहा जाता है कि तू जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तू जिंदगी में सिर्फ फेल रहेगा, तो कोशिश कीजिए उससे अपने टाइम को निकाल लीजिए। ऐसे लोगों के साथ मत आप अपना टाइम बिताइए, क्योंकि वो आपको नेगेटिव कर रहे हैं। नेगेटिविटी आपकी दुश्मन है, आप वो आपको हैप्पी मोमेंट क्रिएट नहीं करने देती है, क्योंकि थॉट्स आ जाते हैं ना इस दिमाग में कि इसने मुझे ये कह दिया, अब ये कह दिया तो अब सैड मोमेंट में चले गए। इस मोमेंट में हम मुझे उसने ये कह दिया, मैं जिंदगी में कभी कामयाब ही नहीं हो सकता, तो इस मोमेंट में कैसे आओगे, इस हैप्पी मोमेंट्स में आप सैड मोमेंट में चले गए। तो कोशिश कीजिए ऐसे लोगों से मिला मत जाइए, नहीं मिलना ऐसे लोगों से। यह दिन आपके लिए मैंने फिक्स कर लिया, 9वां दिन में एक लिस्ट बनानी है कि कौन कौन से नेगेटिव व्यक्ति हैं, उनसे मैंने जिंदगी में जब तक हमेशा के लिए मैं हैप्पी मोमेंट्स में रहना नहीं सीख जाता तब तक नहीं मिलूंगा। जब आप सीख जाओगे, जब आप 21 दिन को
कंप्लीट कर लोगे तो आप में ऐसा स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा कि आपको कहेगा आप जिंदगी में कामयाब नहीं हो सकते, आप मुस्कुराओगे मैं तो कामयाब हो गया। ठीक, जब आपके पास ऐसा स्टेमिना आ जाएगा तो मिलने में, चाहे आपके पेरेंट्स हैं, आपके माता पिता हैं, आपके भाई हैं, आपके दोस्त हैं, आपकी वाइफ है, आपके हस्बैंड हैं, मिलिए उनसे, 21 दिन तो कवर कीजिए। ओके, तो इस तरह आपका 9वां दिन उन लोगों की लिस्ट बनाने में लगा जो आपको नेगेटिव कहते हैं, उनसे आपने दूर रहना है। तो इसको आपने रीड करना है कि इन लोगों से मैं नहीं मिलना जब तक यह जो कोर्स चल रहा है 21 दिन का यह कंप्लीट नहीं होता। यह 9वें दिन आपने सोचना है, क्योंकि अभी आपके पास 10 से लेकर 21 दिन है जहां आपने जाना है। उसके बाद 10वें दिन हम पहुंच गए। मेक द लिस्ट ऑफ इंप्रूव मूड्स, कौन कौन सी चीजें हैं जो आपका मूड्स इंक्रीज कर सकती हैं, अच्छा कर सकती हैं। कभी कभी आपका सैड मोमेंट में चले जाते हो, एंगर हो सकती है, फियर हो सकती है, मोमेंट आपकी जेब में आज पैसा नहीं है, आपको तनख्वाह लेट मिली है तो आपका मूड खराब हो गया है, मूड यानी धन आने से मूड आ गया है। फिर सोचो कि कुछ ज्यादा धन आ जाए, और ज्यादा आ जाए धन, यानी मूड चेंज हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन है। तो इंस्टेंट कि हमारे पास धन ज्यादा आ जाए, मेरे पास जो कार उससे 10 गुना महंगी कार मिल जाए, वो सोचने की बजाय क्यों ना मैं उस लिस्ट वो बनाऊं जो मुझे हैप्पी मोमेंट्स में ले जाए। इंप्रूव माय मूड्स मींस मोटिवेशनल लेक्चर्स, शक्ति मिले कि ये कैसे प्राप्त किया जा सकता है, मींस जहां हो उससे 10 गुना आगे कैसे इंक्रीज किया जा सकता है। तो इंस्टेंट उसके बारे में सोचने की बजाय मैं फोकस क्यों ना करूं उसके बारे में, उस लेक्चर्स को क्यों ना सुनूं, मोटिवेशनल लेक्चर्स, म्यूजिक जो आपको हमेशा हैप्पी में रखें, ऐसा सॉन्ग, ऐसा डांस जहां आप खिलखिला उठें, आपका एक एक हिस्सा हैप्पी में जाने लगे, खुशी में जाने लगे। किसी की मैरिज होती है, लोग बहुत डांस करते हैं, क्या उनको पेमेंट मिलती है? क्या नहीं मिलती, वो खुश हैं। किसी की मैरिज हो रही है, बहुत अच्छा इवेंट है, किसी के यहां बच्चा हुआ, बहुत अच्छा इवेंट है। डांस, म्यूजिक, सॉन्ग, मोटिवेशनल लेक्चर्स, ये तो एक लिस्ट मैंने बनाई है। आप बहुत सारी लिस्ट बना सकते हो जिससे आपका मूड पॉजिटिव रहे, बहुत अच्छी सी क्वाइट हो, पॉजिटिविटी हमेशा आपके डेस्कटॉप में, आपके मोबाइल के ऊपर लिखी हो, मींस जिंदगी में कभी नेगेटिव नहीं रहना, जिंदगी में हमेशा ही पॉजिटिव रहना है, शक्ति इंक्रीज होती है इससे, ताकत आपकी 10 गुना इंक्रीज होती है इससे। तो ये लिस्ट आपने 10वें दिन बनानी है, बहुत लंबी लिस्ट बनेगी। देखो कि इस तरीके से मेरा मूड इंक्रीज हो जाता है, एक ठंडा ग्लास पानी से मूड मेरा फ्रेश हो जाता है। अगर मैं गुस्से में हूं, लिख दो लिस्ट में, बनाओ कि मैं जब भी गुस्सा होऊंगा एक ग्लास पानी पीऊंगा। बहुत सारे जगह से आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। अगर मैं शोर्ड हो जाता हूं तो मैं किसी नदी के किनारे या कहीं भी जहां ठंडी ठंडी लहरें चलती हो वहां चला जाऊं, किसी पार्क में जहां फुहारे चलती हो वहां खड़ जाऊं। जब मैं बहुत सैड में हूं, अच्छा सा म्यूजिक लगे, तो ये कर सकते हो, आप अपना मूड चेंज कर सकते हो। लिस्ट बनाओ, उसको रीड करो। उसके बाद आपने 10 दिन यात्रा की, 10 दिन आपकी यात्रा चली, अब 11वें दिन पहुंच गए। 11वें दिन आपको क्या कहा, 11वें दिन क्या होता है? 11 एक एक मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है, मींस पहला दिन बिताया था ना, पहला दिन उसके साथ एक लग गया, एक एक लग गया उसके साथ, क्या लग गया, एक। एक का मतलब मींस आपने जो पहला दिन था उस 11वें दिन उसको लाउड स्पीक करना है, स्पीक लाउड होल डे, स्पीक करना है, स्पीक चिल्लाना है। क्यों चिल्लाना है? क्योंकि
आपका ब्रेन लेजी है, आलसी है, आपकी बात नहीं मानता। आप कहते हैं मैं जिंदगी भर हैप्पी रहना है, खुश रहना है, आनंदित रहना है, वो मानता ही नहीं है, सैड में चला जाता है, इस इमोशन को अपना समझ लेता है, गुस्से में चला जाता है, ये मेरा नहीं है, ये है ही नहीं मेरा, मेरा तो ये है, मैं इसके पीछे भाग रहा हूं, मुझे जाना इधर है, मुझे इसके को छोड़ना है, त्यागना है, तो चिल्लाना है, चीखना है। कैसे, मैं आपको डेमो देता हूं। ये फर्स्ट पेज है मेरा, ये 11 दिन चल रहा है, मैंने लिस्ट बनाई हुई है, 11 दिन में स्पीक लाउड करना है। किसकी लिस्ट बनानी है? मैंने परमात्मा का धन्यवाद करना है। मैं कहता हूं बहुत ऊंची आवाज में, हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है कि तूने मुझे अच्छी सेहत दी है। हे परमात्मा, तूने मुझे अच्छी सेहत दी है, इतनी अच्छी सेहत है, ऐसे उठाता हूं हाथ ऊपर चला जाता है, ये लात चली गई ऊपर, इतनी अच्छी सेहत है। हे परमात्मा, तेरा लाख लाख शुक्र है। आंखें बंद की, ध्यान यहां दिया, यहां दिया, हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है। बार बार कहना है शुक्र है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। क्यों? क्योंकि उसने सेहत दी है, दुनिया का कोई डॉक्टर नहीं दे रहा, मुझे गोली खाने की आवश्यकता नहीं, इतनी केमिस्ट की दुकान है, मुझे गोली खाने की आवश्यकता नहीं। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तूने मुझे अच्छी सेहत दी। सारा दिन मुझे कहना है थैंक यू माय डियर गॉड, थैंक यू। मुझे उन लोगों का धन्यवाद करना है जो इस लिस्ट में है, मुझे उस दुकानदार का धन्यवाद करना है, प्यारे दुकानदार तेरा लाख लाख धन्यवाद, तू मुझे टाइम पे सामान देता है, कभी कोई सामान नहीं मिलता। तो ये लिस्ट आपके हाथ में है। हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरे शरीर के जितने भी पार्ट्स हैं वो सही काम करते हैं, ये हाथ बिल्कुल सही है, ये हाथ बिल्कुल सही है, इसकी जो हड्डियां बिल्कुल ठीक है, कहीं नहीं टूटी हुई, ये देखो, इसके लिए हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, तेरा लाख लाख शुक्र है। सारा दिन एक ही काम है, 11 दिन आपको मिल गया, चीखते रहना हे परमात्मा तेरा लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है, लाख लाख शुक्र है परमात्मा तेरा, तेरा लाख लाख शुक्र है। जब तक आप दीवाने नहीं बनोगे, इस बात पे नहीं सोचोगे, तो ये मोमेंट्स आपका पीछा करती रहेंगी, आप कब खुश होंगे? इस बात की खुशी नहीं है कि परमात्मा ने इतना कुछ दे दिया, उन लोगों ने आपके लिए इतनी सपोर्ट की, इतने सारे लोगों की वजह से आप सक्सेसफुल हो, आनंदित हो। ये जिंदगी जो लाइट चलती है ना, पूरा बिजली बोर्ड में इतने सारे लोग काम करते हैं तब लाइट आ रही है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूं, इंटरनेट में इतने सारे लोग, इतने सारी कंपनियों में काम कर रहे हैं, सभी का धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। तो ये 11वां दिन आपने बिताना है, फिर 12वें दिन पे आ जाना है, 12 दूसरा तो हमने बिता दिया था दिन, अब इस दो वाला तो वही है, एक साथ में लग गया 12। क्या करना है? जो दूसरे दिन में लिस्ट बनाई थी आपकी सफलता की, आपने जिंदगी में कुछ कामयाबी प्राप्त की है, उसको स्पीक करना है, स्पीक, चीखना है, चिल्लाना है, चिल्लाना इस दिमाग में, दिमाग में आनी चाहिए बात, आनी है। एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, पांच बार, 10 बार 20 बार। क्यों? क्योंकि ये भूल जाता है, ये इस मोमेंट में चला जाता है, गुस्सा हो जाता है, इस मोमेंट में आना चाहिए, इस मोमेंट में, हैप्पी मोमेंट्स में इसको चीखना चाहिए, तूने बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, अब उस और क्या चाहिए। मैंने लिस्ट निकाली, ये मेरे 12वें दिन में लिस्ट बनी हुई थी, क्योंकि दूसरे दिन में लिस्ट बना ली थी, अब मैं इसको चलाता हूं। विनोद, तू चलना सीख गया है, भागना सीख जाएगा, चलना सीख गया है, वाह वाह, मैं पैदल चल सकता हूं,
Yes, yes, मैं नहीं सीखा था, मैं चलना नहीं सीखा था, आज मैं अपने पैरों पे खड़ सकता हूँ। दुनिया के जितने जानवर हैं वो अपने पैरों पे नहीं खड़ सकते, चार हाथ चाहिए उनको, दो लाते हैं दो हाथ, मैं देखो चल सकता हूँ, मुझे हाथों से चलने की जरूरत नहीं है, ये मेरी जिंदगी की सफलता है, इतनी सारी सफलताएं हैं, मुझे बस उसको स्पीक करना है, ऊंची आवाज में बोलना है, कोई काम नहीं करना, नहीं करना, किसी बारे में नहीं सोचना, एक सिर्फ 12 दिन बिताना है कि मैंने बहुत कुछ, यहां 10 की लिस्ट है मेरे पास, मुझे इसको स्पीक करना है। हाँ, मैंने ये सफलता प्राप्त कर ली, यस, अब कुछ और भी होगा ना, मैं वो भी प्राप्त कर लूंगा, कुछ मेरे पास है, आपके जेब में हो ना 100 रुपया तो आपको टिकट मिल जाएगा, आप 12 दिन में हो 21 दिन में पहुंच जाओगे, वो लास्ट में पहुंच जाओगे, कुछ जेब में होना चाहिए, मैंने मेरे जेब में कुछ है, मैं अच्छा बोल सकता हूँ, यस दिस इज माय सक्सेस, मैं टीच कर सकता हूँ, जब मैं टीच कर सकता हूँ तो किसी भी विषय में टीच कर सकता हूँ, ये मेरी सफलता है, जब मेरे पास ये चीज है तो मैं कुछ भी खरीद सकता हूँ, तो आपके पास है बहुत कुछ है, सोचिए आपके पास बहुत सारी सफलता है, तो इसके इसको स्पीक करना है, 12 दिन आपका बहुत अच्छा बीतेगा। ये 12 दिन बीत गया, 13वें दिन पे आ गए, 1-3, 3rd दिन में लिस्ट बनाई थी ना, लिस्ट बनाई थी ना, एक लग गया इसके साथ, जो लिस्ट बनाई थी वो निकालो, मेक द लिस्ट ऑफ योर ड्रीम्स, ड्रीम्स कहां गई ड्रीम्स, ये सपने, 3rd दिन सपने बनाए थे, 13वें दिन उसको चीखना है, चिल्लाना है, कोई काम नहीं करना, नो, जो सपने बनाए थे आज मैं उसको बोलूंगा, इस दिमाग को बोलूंगा, इसमें वो आने चाहिए, उसको भूल जाती है, 3rd दिन जो लिस्ट बनाई थी, 13वें दिन जाके आपको नहीं पता लगता कि आपने कौन सी लिस्ट बनाई थी, वी हैव टू रिमेंबर, रिमाइंड, हमने रिमाइंड करना है, आप स्कूल में भी तो होते हो, आपको पहली क्लास में 10वीं क्लास में बीए में एमए में क्या सिखाया जाता है, किताब दी जाती है और साल के बाद आपका पेपर होता है, वही किताब को आप दोबारा खोलते हो, 13वें दिन आपने वही काम करना है जो 3rd दिन किया था, रिमाइंड रिमाइंड चीख के करना है, मेरा टेस्ट होने वाला है, क्या थे ड्रीम्स, क्या थे ये सोचना है, मुझे ये थोड़ी सोचना कि मैं दुखी हूं, एंगर हूं, मेरे को डर लग रहा है, नो, मुझे तो हैप्पी रहना है, मेरे पास कुछ ड्रीम्स हैं, वो मुझे अचीव करनी है, मैं खुश हो जाऊंगा, ये सोचना है, जैसे जैसे मेरा ड्रीम है, मैंने 2 घंटे भागना है, भागना है, 2 घंटे भागना है, 2 घंटे भागना है नॉन स्टॉप, मैं चिल्लाऊंगा, यस, मैं 2 घंटे भाग के दिखाऊंगा, यस, तब मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, मैं बहुत खुश हो जाऊंगा, ये एग्जाम है, एग्जाम तो बाद में होगा, पहले याद तो कर लूं इसको, इसको याद तो कर लूं, तो उसको चीखूंगा, चिल्लाऊंगा सारा दिन, कौन सा ये डे चल रहा है आपका, ये आपका 13वां दिन चल रहा है, मैं 3000 लेख और लिखूंगा, राइट करूंगा, 1500 वीडियोस और बनाऊंगा, मुझे इतनी बार इसको बोलना है, हाँ मैं 3000 लेख और बनाऊंगा, 3000 लेख और 1500 वीडियो और बनाऊंगा, ये मेरा सपना है, सपना, इसमें मैं जीता हूं, ये इसको मैं जीवित करके रहूंगा, क्योंकि मुझे हैप्पी मोमेंट्स में जाना है, मैं यहां बैठा था, यहां जाना है, ये होगा तो ये होगा, ओके, इसके अलावा ऐसी बहुत सारी लिस्ट है, इसको मुझे 13वें दिन स्पीक करना है, सिर्फ स्पीक करना है, इतना इस तो काम है, हम इस रास्ते में पहुंच रहे हैं, 13 दिन हमने बिता दिए, अब गाड़ी तेज स्पीड से चल रही है, 14वें दिन की तरफ हम पहुंच रहे हैं, 14वां दिन, मेक द लिस्ट ऑफ स्किल्स विच यू वॉन्ट टू लर्न इन द वर्ल्ड, मीन्स बहुत सारी स्किल्स है जो आपने सीखनी है, और मुझे तो भूल गई, पर मैंने लिस्ट बनाई थी, और मैं 14वें दिन पे हूं, 4th दिन मैंने कौन सी लिस्ट बनाई थी, दिस इज इंपॉर्टेंट, मैं तो इसी को इंपॉर्टेंट समझ लिया,
गुस्सा करना, दुखी होना, फियर, डरना, इसको मैंने इंपॉर्टेंट समझ लिया। नहीं, ये इंपॉर्टेंट नहीं था। शेम करना, शोड होना, गिल्ट करना, ये मैंने इंपॉर्टेंट समझ लिया। अरे मेरे लिए इंपॉर्टेंट ये था कि कुछ स्किल थी जो मैंने सीख नहीं दिया, उससे मुझे खुशी प्राप्त हो गई है। मुझे गाना नहीं आता तो मैंने लिस्ट लिखी हुई थी ना, अब मुझे पता लग गया कि गाना मुझे सीखना है। मैं जिस दिन गाऊंगा तो आपको कैसा लगेगा बताओ, जिस दिन मैं डांस करूंगा आपको कैसा लगेगा, जिस दिन मैं एक्टिंग करूंगा आपको कैसा लगेगा, जिस दिन मैं कोई म्यूजिक चलाऊंगा आपको कैसा लगेगा, क्योंकि ये स्किल है, मैंने लिस्ट बनाई है। जिस दिन मुझे बिजनेस एनालिसिस आ जाएगा उस दिन क्या होगा, जिस दिन मैं डाटा साइंस सीख जाऊंगा उस दिन क्या होगा, जिस दिन मुझे क्लाउड कंप्यूटिंग आ जाएगी क्या होगा, जिस दिन मैं स्ट्रेटेजी बनाना सीख जाऊंगा उस दिन क्या होगा, उस दिन मैं हैप्पी होऊंगा, खुश होऊंगा, खुश, यस 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 मैं सीख गया, यस। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये जो 14वां दिन था इसकी लिस्ट को चीखना है, यस कम ऑन विनोद, कम ऑन, कम ऑन, यू हैव टू लर्न दिस स्किल, आपने ये स्किल सीखनी है, सीखनी है। तो लिस्ट को दोहराऊंगा, मुझे एक अच्छा सिंगर बनना है, मुझे एक अच्छा डांसर बनना है, मुझे एक अच्छा एक्टर बनना है, मुझे एक बिजनेस एनालिस्ट बनना है, मुझे मोबाइल ऐप का डेवलपर बनना है, तो ये स्किल मैं सीखूंगा और मैं खुश हो जाऊंगा। इसको आपने दोहराना है बार बार। 14वां दिन आपके दिमाग में यही आना चाहिए, सुबह उठे और 14वां दिन है, ये मेरी जिंदगी का 14वां दिन है। 14वें दिन पे आप बैठे हो, भूल जाइए कुछ भी नहीं है, दुनिया में कुछ भी नहीं है, जो है यही समय है, वही 14वां दिन है आपका, और आप 15वें दिन की तरफ जा रहे हो। खुश महसूस कीजिए, सिर्फ 21 दिन के बाद आप उस पॉइंट में होंगे जब आपके पास खुशियां ही खुशियां होंगी, खुशियां ही खुशियां होंगी। अब हम आपको बताएंगे कि 15वें दिन हमने क्या करना है। 15वें दिन कोई खास काम नहीं करना। 5वें दिन आपने क्या बनाई थी, महान व्यक्तियों की लिस्ट, महान व्यक्तियों की आपने लिस्ट बनाई थी, सिर्फ उसको स्पीक करना है ऊंची आवाज में कि दुनिया में इतने सारे महान व्यक्तियां आपकी लिस्ट में आ गए हैं जो आपने बनाई थी, अगर इनकी तरह मुझे बनना है तो मुझे इनके बारे में जानना होगा। सारा दिन इन लोगों के बारे में ही सोचते रहिए, स्पीक करते रहिए। क्या जो क्वालिटी राम प्रसाद बिस्मिल में थी, जो मेरा फेवरेट ग्रेट पर्सन है, क्या वो मुझ में है? जो भी आपके ग्रेट पर्सन हैं, जिसको आप मानते हो कि वो बहुत महान व्यक्ति हैं, तो आपने उनके बारे में ऊंची आवाज में बोलना है। उसमें ये शक्तियां थी और मुझ में ये कमियां हैं, मुझे ये शक्तियां प्राप्त हो सकती हैं तो मैं खुश रह सकता हूं। तो आपका 15वां दिन सिर्फ लिस्ट को रीड करने में ही जाना चाहिए, ये भी महान व्यक्ति था, ये भी महान व्यक्ति था, मुझे वैसा ही बनना है। क्यों बनना है? क्योंकि इन लोगों ने अपने मूड को सिर्फ एक जैसा रखा, सुखाया दुखाया हमेशा ही यह खुश रहे। इनको ना डर लगता था, ना इनको गुस्सा आता था, ना ये दुखी होते थे, ना इनको कोई घबराहट होती थी, ना ये शेम महसूस करते थे, ना ये गिल्ट महसूस करते थे, इसलिए वो महान है। मुझे उनको रीड करना है, स्पीक करना है, मैं इस जैसा महान व्यक्ति बन के दिखाऊंगा। तो ये आपका 15वां दिन बीत जाएगा, कितना खुशी महसूस हुई है, कितने कितने महान व्यक्ति हैं जिनका एक मोमेंट रहा है, हैप्पी मोमेंट रहा है जिनका, और मेरे पास इतने सारे मोमेंट्स हैं, इतने सारे इमोशंस हैं, मुझे एक मोमेंट में रहना सीखना होगा। ओके, तो ये 15वां दिन आपका बीत गया।
और 16वें दिन पे आ जाते हैं, स्पीक लाउड होल डे, 16वें दिन, कौन सी जो 6 डेज में लिस्ट बनाई थी, मेक द लिस्ट हु नीड योर हेल्प। मुझे बहुत खुशी होती है, तब खुशी होती है जब मैं यह लिस्ट को रीड करूंगा, मेक द लिस्ट हु नीड योर हेल्प, जिनको आपकी मदद की आवश्यकता है। मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मुझे उसकी हेल्प करनी ही करनी है। मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उसकी हेल्प करनी ही करनी है। जो वीडियोस के ऊपर कमेंट्स देता है, मुझे उनकी हेल्प करनी ही करनी है। मुझे अपनी कस्टमर की हेल्प करनी ही करनी है। मुझे अपनी इंप्लॉयज की हेल्प करनी ही करनी है। मुझे एनिमल्स की हेल्प करनी ही करनी है। मुझे हेल्पलेस लोगों की मदद करनी ही करनी है। मुझे अपने दोस्तों की मदद करनी है। मुझे अपने विद्यार्थियों की मदद करनी है। मुझे अपने कस्टमर की मदद करनी है। मुझे एनिमल की हेल्प करनी है। मुझे हेल्पलेस लोगों की मदद करनी है। इसको चिल्लाइए, चीखिए, आप आपके दिमाग में ये बात आनी चाहिए, क्योंकि आप इससे खुश महसूस करते हो। उनको आपकी जरूरत है तथा उनकी लिस्ट आपके पास है, जिनकी आपने मदद करनी है, किनको आपकी मदद की आवश्यकता है। तो इस तरह से आपका जो 16वां दिन है वो बहुत अच्छा बीतेगा। सारा दिन उनके बारे में सोचिए, कैसे मदद करनी है उनकी, मैं कैसे मदद कर सकता हूं, क्योंकि उनको मेरी मदद की आवश्यकता है। मेरी जेब में 1 रुपया भी नहीं है, तब भी उनको मेरी मदद की आवश्यकता है। मैं उनको आवश्यकता है, बिना पैसे से भी आवश्यकता है। आई एम इंपॉर्टेंट, मुझे खुश रहना चाहिए। मुझे खुश रहने का मकसद मिल गया, मकसद, तो मैं 17वें दिन में पहुंच गया। तो मैं ये 17वें दिन में क्या है, 17वें दिन में लिखा है स्पीक लाउड होल डे। बहुत चिल्लाना है, बहुत चीखना है, बहुत शक्ति के साथ बोलना है आपने। बट क्या 7वें दिन में जो लिस्ट बनाई थी, मेक द लिस्ट वेयर यू वॉन्ट टू ट्रेवल, मुझे जाना है। आपके पास लिस्ट है, ट्रेवल करना चाहो, कागज लीजिए, आपने लिखा कि मैं अपने शहर के ये जो गांव है ना, ये घूम के आना है, पैदल जाऊंगा, वहां पैदल जाऊंगा, ये गांव है, कितना खर्चा होता है, क्योंकि मैं लोगों को देखूंगा, महसूस करूंगा, सबके साथ एक स्माइल का फोटो खींचूंगा। हैप्पी मोमेंट्स क्रिएट करना है ना हमने, तो हंसिए, स्माइल कीजिए दोस्तों के साथ, हाथ में हाथ मिला के, हैंड शेक करके आप खुश महसूस करोगे, क्योंकि आपके लिस्ट में है वो स्थान घूम के आने हैं, लोगों से बात करनी है, उनके दुखों को सुनना है, अपने बातों को बताना है। तो इससे आप महसूस करोगे, क्रिएट कर रहे हो हैप्पीनेस। जिनको देखा नहीं था, जिस स्थान को देखा नहीं था, वो आप देख के आए, कितनी खुशी मिलेगी आपको। बहुत सारी लिस्ट आपके पास है, सिर्फ चीखना है, यस यस, मैं अपने शहर के ये स्थान घूमूंगा, मैं अपने शहर के पास वाले ये स्थान देखूंगा, मेरे लेफ्ट में कुछ शहर है, मेरे राइट में कुछ शहर है, मेरे आगे भी कुछ शहर है, मेरे पीछे भी कुछ शहर है, मैं जाऊंगा, मैं लोगों को देखूंगा, क्योंकि मुझे खुशी महसूस होगी। मैं खुद उनके साथ स्माइल की फोटो खींचूंगा। तो इसको आपने चिल्लाना है, चीखना है, क्योंकि आपका दिमाग इस बारे में सोच रहा है, इस बारे में सोच ही नहीं सकता। दिमाग एक समय में एक काम करेगा, आपका माइंड, आपका मन एक समय में एक काम करेगा, वो इसको सोच रहा है। तो इसको सोचते सोचते इस तरफ जाना है, हैप्पी मोमेंट्स में जाना है आपने। ओके, करोगे ऐसा, आपका जो 17वां दिन है बहुत अच्छा बीतेगा। चलो जी, हम 18वें दिन में पहुंच गए। 18वां दिन है, आप 17 दिन आपके बहुत अच्छे बीत गए। आपके पास एक टारगेट था, अब 18वें दिन में भी आपका एक गोल है। कौन सा गोल है, कि 8वें दिन में जो लिस्ट बनाई थी उसको स्पीक लाउड होल द डे, ऊंची आवाज में चिल्लाकर चीख कर आपने बोलना है। कैसे,
मेक द लिस्ट ऑफ द एक्सरसाइज बेनिफिट्स. मुझे रनिंग से क्या बेनिफिट है, रनिंग से मुझे वेट लिफ्टिंग से क्या बेनिफिट है, मुझे साइकिलिंग चलाने से क्या बेनिफिट है, मुझे शूटिंग करने से क्या बेनिफिट है, मुझे स्विमिंग से क्या बेनिफिट है, मुझे क्लाइंबिंग से क्या बेनिफिट है, मुझे जूडो कराटे सीखने से क्या बेनिफिट है, मुझे टग ऑफ वार करने से क्या बेनिफिट है, मुझे कलम डंबल उठाने से क्या बेनिफिट है, मुझे बॉक्सिंग करने से क्या बेनिफिट है. लिस्ट बनाई हुई है, ये बेनिफिट है. सिर्फ स्पीक करना है, यस यस. अगर मैं जंपिंग करूंगा उस पर ये बेनिफिट है, यस. जब बेनिफिट आपको मिल रहे हैं एक्सरसाइज से तो आप खुश महसूस करोगे. आपके अंदर जो दूसरे इमोशंस है वो खत्म हो जाएंगे, सिर्फ एक ही इमोशन रहेगा, हैप्पी मोमेंट्स. जब भागोगे तो कुछ गोल अचीव करोगे, जब बॉक्सिंग सीखोगे तो कुछ गोल अचीव करोगे, हैप्पीनेस आती जाएगी, हैप्पीनेस आएगी. छोटे छोटे गोल बनेंगे, 1 किलोमीटर भागोगे, 1 किलोमीटर साइकिल चलाओगे, 2-3 घूसे बॉक्सिंग के किसी के गाल पे लगाओगे तो आपको खुशी मिलेगी, आप में वो चुस्ती आएगी, आप में एनर्जी आएगी, आप पॉजिटिव हो जाओगे, आपके नेगेटिव थॉट्स कम हो जाएंगे. तो ऐसे आपका 18 दिन बीतेगा. अभी तो हम स्पीक कर रहे हैं, सिर्फ स्पीक. 7 दिन दिमाग को एक इस चीज को हम बता रहे हैं, इस चीज को इसको समझा रहे हैं. वी हैव नॉट टीचिंग एनी अदर, हम इसको टीच कर रहे हैं, इसको समझा रहे हैं. ये मानता ही नहीं है, ये गुस्से की तरफ जाता है, सैड इमोशन में जाता है. बेनिफिट नहीं है, बेनिफिट तो एक्सरसाइज का है. एक्सरसाइज का है बेनिफिट, इसको हमने स्टडी करना है. ओके, तो ये 18वां दिन आपका बीत गया. 19वें दिन पे आ गए, स्पीक लाउड होल द डे. 9वें दिन में एक लिस्ट बनाई थी, मेक द लिस्ट ऑफ द पीपल ऑफ नेगेटिव थॉट्स. लिस्ट हमारे हाथ में है, मेरे हाथ में है. ये व्यक्ति मुझे नेगेटिव कहते हैं, इनसे बात नहीं करनी, तब तक बात नहीं करनी जब तक मेरे 21 दिन पूरे नहीं हो जाते. क्योंकि 9वें दिन में मैंने एक संकल्प लिया था, इनकी लिस्ट बनाऊंगा. तो यह लिस्ट तब तक बनेगी जब तक मैं हमेशा ही हैप्पी मोमेंट्स में रहना नहीं सीख जाता, जब मैं इसको क्रिएट करना नहीं सीख जाता. तो लिस्ट बनाते जाइए, कोई भी हो सकता है उस लिस्ट में, बस उसके पास में नहीं रहना. मुझे लगता है यह नेगेटिव करता है, इसके सामने आते ही मुझे गुस्सा आ जाता है, वो ट्रिगर है, पीछे भागिए. इसके आते ही मेरे इमोशंस में फ्लक्चुएशंस हो जाती है, तो उस चीज से भाग जाइए. रनिंग आती है ना आपको, भागिए. लिस्ट को स्पीक कीजिए, मिस्टर ए मैं इसके साथ कभी नहीं बात करूंगा, मिस्टर बी मैं इसके साथ कभी बात नहीं करूंगा, मिस्टर सी नो ये नेगेटिव व्यक्ति है, नो इससे बात नहीं करूंगा, मिस्टर डी नहीं इसको देखूंगा भी नहीं. क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव है. हमेशा ही आपको गलत सोच के साथ आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, प्रेशर डालते हैं. आपने तो हैप्पी रहना है, आप में तो अनंत शक्तियां हैं. मुट्ठी को बंद कीजिए, कितनी अनंत शक्तियां आप में, इतने ताकतवर होने के बावजूद भी उनकी वजह से आप कमजोर हो जाओ, ऐसा नहीं. नो, मिलो ही ना उनसे, रहने दो उनको अपने कमरे में, आप अपने कमरे में रहिए. 19वें दिन आपने उनकी लिस्ट बनानी है और उनका बायकॉट करना है, क्योंकि आपने हैप्पी रहना है. उसके लिए पॉजिटिव थॉट्स चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स. तो उन लोगों से मिलिए जो पॉजिटिव है, जो कहते हैं कि नहीं आप में शक्तियां हैं, आप आगे जा सकते हो, आप आसमान को छू सकते हो. ऐसे लोगों से मिलिए, उनके साथ अटैचमेंट कीजिए, उनके साथ हैंडशेक कीजिए, उनके साथ टच कीजिए, क्योंकि उनकी शक्ति आप में आ जाएगी, आप में पॉजिटिविटी आ जाएगी. तो ये आपका 19वां दिन भी बीत गया, कितना अच्छा दिन बीता. अब हम 20वें दिन पे पहुंच गए हैं. 20वें दिन, 10वें दिन हमने लिखे थे मेक अ लिस्ट ऑफ इंप्रूव योर मूड. लिस्ट बनाई थी, मूड आपका इंप्रूव करना है. एक लिस्ट बनाई थी हमने,
उसमें कहा कि आप मोटिवेशनल लेक्चरर्स हैं, डांसिंग है, म्यूजिक है, एंटरटेनमेंट है, तो उसको स्पीक करना है लाउड 20वें दिन। हां, जब भी मेरा मूड फ्लक्चुएट होगा मैं इस प्रोफेसर का, इस मोटिवेटर का लेक्चर सुनूंगा ही सुनूंगा। यस 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 यस, आई विल डू, आई कैन डू, मैं कर सकता हूं, करके दिखाऊंगा, मैं लेक्चर सुनूंगा। स्पीक कीजिए ऊंची आवाज में, और ऊंची आवाज में आप कर सकते हो, क्योंकि दिमाग को आपने बताना है जब भी कुछ मुझे मेरे मूड में फ्लक्चुएशंस आएगी, मैं दुखी होऊंगा, मैं ये म्यूजिक तो सुनूंगा ही सुनूंगा, क्या आनंद आ रहा है, मैं कान में स्पीकर लगा के सुनूंगा, ये गीत सुनूंगा, एंजॉय होता है, मैं उसमें फैल जाऊंगा, रिलैक्स। तब ये चीजें नहीं होंगी, क्योंकि आप दिमाग को बताओगे, उसको पता ही नहीं है, इनपुट दो, इनपुट दो, उसमें इनपुट आपकी जुबान से इनपुट जाना चाहिए। जब मैं दुखी हूंगा तो मैं म्यूजिक अपना फेवरेट सुनूंगा, जिससे मेरा जो मूड है वो इंप्रूव हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, आनंदित आ जाएगा। मैं डांस करूंगा, चाहे मुझे डांस आता हो ना हो, मैं अपने शरीर को हिलाऊंगा, हिलाता रहूंगा, चाहे मुझे डांस आता ही ना हो, मैं शरीर को घुमाऊंगा, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, आप हिला सकते हो, यही डांसिंग है। खुश हो, आप भी खुश हो, मुझे भी खुश रहने दीजिए, संसार को भी खुशी दीजिए, सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स आप क्रिएट कीजिए, तो आपका ये 20वां दिन भी बहुत अच्छा बीत गया। 10वें दिन में जो लिस्ट बनाई थी उसमें को आपने स्पीक कर लिया। अब 21वां दिन है, 21वां दिन, रिमेंबर फर्स्ट डे टू 20th डे, पहले दिन से लेकर 20 दिन तक जो काम किया उसको रिमेंबर करना है, रिमाइंड करना है, रिमाइंड। फिर दिमाग की एक्टिविटी शुरू हो गई। पहले दिन काम क्या किया था, मैंने लिस्ट बनाई थी परमात्मा का थैंक्स करने के लिए। यस, मैंने पहले दिन लिस्ट बनाई थी परमात्मा का थैंक्स करने के लिए। दूसरे दिन मैंने लिस्ट बनाई थी जो जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, ये दूसरे दिन की है, ये देखो ये लिखा हुआ है, मैंने अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई थी। तीसरे दिन क्या बनाई थी, कुछ सपने थे, अच्छे अच्छे सपने थे, ये मुझे अब याद है। पहले दिन मैंने थैंक्स की लिस्ट बनाई थी और 11वें दिन उसको याद किया था, उसको चीखा था। मैंने दूसरे दिन अचीवमेंट्स की लिस्ट बनाई थी, 12वें दिन उसको स्पीक किया था कि भाई वाह ये मेरे अचीवमेंट्स हैं। तीसरे दिन मैंने लिस्ट बनाई थी ड्रीम्स की, कि ये सपने हैं। 13वें दिन मैंने उसको स्पीक किया था, इतनी आवाज से स्पीक किया था, मुझे पता है ये सपने हैं। और उसके बाद चौथे दिन दुनिया की अच्छी अच्छी स्किल्स है जो मुझे सीखनी है, मैंने अपने 14वें दिन उसको स्पीक किया था। और 5वें दिन दुनिया के महान ग्रेट लोगों की जीवनियां की लिस्ट बनाई थी, जीवन की लिस्ट बनाई थी, और मैंने उसको 15वें दिन स्पीक किया था। 6वें दिन मैंने उन लोगों की लिस्ट बनाई जो मुझसे मदद लेते हैं, 16वें दिन उसको मैंने स्पीक किया था। 7वें दिन जहां जहां मुझे घूम के आना उसकी लिस्ट बनाई थी, 17वें दिन उसको स्पीक किया था। 8वें दिन जो एक्सरसाइज के बेनिफिट्स होते उसकी लिस्ट बनाई थी, उसको मैंने स्पीक किया था। और 9वें दिन जो नेगेटिव व्यक्ति थे जिससे मुलाकात नहीं की, उनसे क्या कभी मैं मिला, 19वें दिन इसको मैंने स्पीक किया था। अब बात है कि मैं मिला। 10वें दिन कैसे मूड इंक्रीज होता है, आपके हाथ में सब ताकत है,
डांस से आपका मूड चेंज होता है, म्यूजिक से होता है। ये 20वें दिन मैंने स्पीक किया था, 21वें दिन मैं सारा दिन इसको याद करूंगा। कौन सा पॉइंट भूल गया हूं मैं? नंबर एक पे क्या मुझे याद है कि मैंने परमात्मा का धन्यवाद किया कि नहीं किया? क्या महान लोगों की जीवनियों का मुझे पता है, उनके नाम मैं जानता हूं? या पॉइंट आगे पीछे हो सकते हैं, कोई घबराने वाली बात नहीं, आपको याद होना चाहिए आगे पीछे दाएं बाएं कैसे भी हो। देखो परमात्मा का थैंक्स, लोगों का थैंक्स, बहुत सारी चीजें अचीव की हैं, मुझे पता है मैंने अचीव की हैं, कुछ सपने हैं, ये सपने हैं, मेरे सपने हैं। महान व्यक्तियों के बारे नाम मुझे पता है, उन्होंने क्या महान काम किए मुझे पता है, कहां कहां घूम के आना है मुझे पता है, कहां कहां ट्रेवल करना मुझे पता है, कौन कौन सी स्किल्स है मुझे सीखनी है मुझे पता है, मुझे ये स्किल्स सीखनी है। उसके बाद कहां कहां मैं एक्सरसाइज के बेनिफिट लेने हैं, कैसे कैसे लेने हैं वो भी मुझे पता है। उसके बाद मुझे अपने मूड्स को कैसे इंप्रूव करना है वो भी मुझे पता है। और दसवीं बात ये है, जो नेगेटिव व्यक्ति है, ये है ये ए बी सी डी एफ जी एच आई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ये व्यक्ति नेगेटिव कहते हैं, इनसे नेगेटिविटी नहीं करनी, ये भी मुझे पता है। सारा दिन 21वां दिन तो यही चीजें याद करने में लगाना है, मैं पहुंच चुका हूं हैप्पी मोमेंट्स में। थैंक्स गॉड्स, तुम्हारा लाख लाख शुक्र है। मेरे पास पता है, मुझे पता है, मुझे पता है मेरे पास इतनी शक्तियां हैं, स्ट्रेंथ हैं, मैं अचीव कर लूंगा गोल जो भी होंगे। ये सफलता है मेरे पास है, मेरे पास कुछ सपने हैं, कुछ गोल्स हैं, वो अचीव करूंगा क्योंकि कुछ मैंने अचीव कर लिया। आप देख रहे हो एक से दूसरा जुड़ा हुआ है, कनेक्टेड है। सबसे पहले परमात्मा का धन्यवाद दिया, उसने दिया है मुझे जो कुछ दिया है, मेरे पास कुछ है, मैंने सक्सेस प्राप्त किया है लाइफ में, कुछ तो प्राप्त किया है। उस सक्सेस से मुझ में कॉन्फिडेंस आ गया है कि मैं कुछ प्राप्त कर सकता हूं, अचीव कर सकता हूं, ड्रीम्स बना सकता हूं। उसके लिए कुछ सीखना होगा, स्किल्स लेनी होंगी, मैं लूंगा। मैं इन स्किल्स को सीखते हुए उन ग्रेट व्यक्तियों को नहीं भूलूंगा, उनको याद रखूंगा, उनकी वजह से उन्होंने सिद्ध कर दिया तो मैं भी उसके साथ नॉलेज को इंक्रीज करूंगा, मैं अपने ज्ञान को शेयर करूंगा, नॉलेज को शेयर करूंगा, जिसको इस ज्ञान की आवश्यकता है हर चीज को शेयर करूंगा, जो मुझ में ज्यादा है मैं उनको दूंगा, जिसको इसकी नीड है उनको मेरी हेल्प की आवश्यकता है। मैं दुनिया को घूमूंगा, हर तरफ जाऊंगा, नॉलेज इंक्रीज करूंगा, खुली हवा में उड़ूंगा, शरीर को आलसी नहीं बनने दूंगा, मजबूत चट्टान की तरह हो जाऊंगा मैं, जहां भी हाथ लगाऊंगा वो चीज दो हिस्सों में टूट जाएगी, इतना सॉलिड हो जाऊंगा मैं, क्योंकि बेनिफिट्स पता है मुझे। उन व्यक्तियों के पास नहीं जाऊंगा नहीं जो मुझे कम में आते हैं, जो मेरी वैल्यू कम माप रहे हैं, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। मुझे पता है कि मुझे मूड अच्छा कैसे करना है, मुझे पता है। यहां से लेकर 20 तक तो इसकी ही रिमाइंडेशन है, रिमाइंड किया है हमने इसको। 21वें दिन में इसका टोटल थीम याद करनी है, थीम
एक एक चीज को थीम में बदलना है। आपके 21 दिन बीत गए हैं, आप में एक आदत डेवलप हो गई, आप क्रिएट कर चुके हो, टोटली क्रिएट कर चुके हो। अब जिंदगी इन 21 दिन में बदलेगी। फिर एक पे आइए, दो पे आइए, तीन पे आइए, चार पे आइए, पांच पे आइए, छह पे आइए, सात पे आइए, आठ पे आइए, नौ पे आइए, दस पे आइए। उसको रिपीट कीजिए, प्रैक्टिस, उसको अपनी जिंदगी में अमल कीजिए। ये लिस्ट बना ली, हमेशा आपके हाथ में एक लिस्ट है, हमेशा ही है। 10 दिनों की लिस्ट आपकी मेहनत है, खून पसीने की कमाई है, ये लिस्ट आपके हाथ में है। हमेशा ही आपको हैप्पी मोमेंट्स में रखेगी है। बेस्ट मोमेंट इन द वर्ल्ड, हैप्पी मोमेंट्स। हर चीज का प्रैक्टिकल कीजिए, डीप जाइए इस लिस्ट। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, आपने जो 21 दिन का कोर्स था वो कंप्लीट किया, मुझे बहुत खुशी है कि आप इसको 21 दिन तक अपने लाइफ में फॉलो करोगे। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि आपके जो दिमाग में एक गोल अचीव की तरफ आप जाओगे, हमेशा ही आपकी मेमोरी में हो जाएगी, एक आपकी आदत बन जाएगी। किसी चीज को हम 21 दिन करते हैं उसकी आदत बन जाती है, वैसे ही आपके ख्याल बन जाते हैं, वैसे ही आपकी सोच बन जाती है, तो एक ऐसी आदत आप में डेवलप होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस कोर्स को करोगे, पहले दिन से लेकर आप 21 दिन तक जाओगे, उसके बाद एक कागज में, एक कॉपी में क्या बेनिफिट हुआ, क्या मैं क्रिएट कर सका हैप्पी मोमेंट्स कि नहीं कर सका, उसके बारे में लिखोगे, रिव्यूज करोगे। और उसके बाद ये जितने भी पॉइंट्स हैं, मेन है 10 पॉइंट्स जो हैप्पी मोमेंट्स की तरफ लेके जाते हैं, उसको अपनी लाइफ में फॉलो करोगे, हमेशा ही आप खुश रहोगे अगर इसको आप अपनी जिंदगी में अमल कर दोगे। तो मुझे उम्मीद है कि आप इसको फॉलो करोगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।